म्यूजिक लवर्स, क्या हाल चाल? आपके स्वागत आप सभी का मयूर सागर म्यूजिक में। दोस्तों सबसे पहले आपको बहुत सारा थैंक यू, आपको बहुत सारा धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए और अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए। तो दोस्तों काफी टाइम से मुझे बहुत ज्यादा व्यूअर्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर 20 या 22 हजार तक की रेंज में बेस्ट कीबोर्ड कौन सा है, और बहुत सारे लोग केसियो और यामाहा को लेके हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं कि कौन सा कीबोर्ड लें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने 20 या 22 हजार तक की रेंज में आने वाले टॉप 5 कीबोर्ड्स को कवर किया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों बात करें टॉप 5 कीबोर्ड्स में, पांचवे नंबर पे आने वाले कीबोर्ड यामाहा PSR सीरीज के IE400 के बारे में। तो दोस्तों ये कीबोर्ड यामाहा ने कुछ टाइम पहले इंडिया में लॉन्च किया है और ये एक इंडियन कीबोर्ड है, यानी इसमें आपको अच्छी इंडियन टोन्स और रिदम मिल जाती है। दोस्तों बात करें यामाहा की, तो शुरू से ही यामाहा अच्छे कीबोर्ड बना रहे बजट में, चाहे वो बिगनर्स के लिए हो या फिर लाइव के लिए। और यामाहा PSR सीरीज का I455 बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था इंडियन मार्केट में, उसके बाद I500 आया और अब यामाहा ने I400 को लॉन्च किया है। तो दोस्तों बात करें इस कीबोर्ड की, तो इस कीबोर्ड में हमें 764 टोन्स मिल जाती हैं, जिनमें 30 इंडियन टोन्स हैं। उसके अलावा आपको 218 रिदम्स मिल जाते हैं, जिसमें भी 35 इंडियन रिदम इंक्लूड हैं। इसके अलावा आपको तबला, तानपुरा, मृदंगम जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये फंक्शन मिल जाते हैं, और 15 राग इसके अलावा आपको मिल जाते हैं, 20 ताले मिल जाती हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा इसमें टच रेस्पॉन्स, पिच बैंड और व्हील बटन भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये कीबोर्ड सीखने के लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मैं इसको बेस्ट नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके बाद जो कीबोर्ड मैं आपके बारे में उनके बारे में जो बताऊंगा वो इससे भी बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत एडवांस कीबोर्ड है। तो रही बात दोस्तों प्राइस की, तो मार्केट में इसका प्राइस आपको 18 हजार के आसपास मिल जाता है। आसपास इसलिए कह रहा हूँ कि कम या ज्यादा ऑनलाइन ये मिलते रहते हैं और कई बार ऑफर वगैरह भी चलते रहते हैं। और अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में पता करोगे तो आपको ऑफलाइन मार्केट में शायद 1000 या 500 रुपए और सस्ता मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद नंबर 4 पे आता है यामाहा PSR सीरीज का E463 कीबोर्ड। और दोस्तों ये कीबोर्ड भी इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है। और दोस्तों इस कीबोर्ड में आपको 758 हाई क्वालिटी टोन्स मिल जाती हैं, जिसमें 48 पॉलीफोनी इंक्लूड हैं। इसके अलावा आपको इस कीबोर्ड में हाई क्वालिटी सैम्पलिंग, क्विक सैम्पलिंग फंक्शन मिल जाता है, जिसमें जिसको लाइव में आप यूज कर सकते हैं। और आपको क्रिएटर ग्रुप क्रिएटर फंक्शन भी मिल जाता है, जिससे कि आप ट्रैक वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ऑडियो रिकॉर्डर भी मिल जाता है, जिसमें आप 80 मिनट तक की वेव रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आपको ऑक्स का कनेक्टर भी मिल जाता है, जिसे डायरेक्ट फोन को कनेक्ट करके आप MP3 प्ले कर सकते हो। और इसके साथ ही आपको हाई क्वालिटी के 6+6 वोट के 12 सेंटीमीटर बेस स्पीकर मिल जाते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे असाइनेबल रियल टाइम कंट्रोल नॉब है, पिच बटन है, और टच रेस्पॉन्स है, DSP सेटिंग्स हैं, ऑडियो कनेक्टिविटी और MIDI कनेक्टिविटी, ये सभी चीजें आपको इस कीबोर्ड में मिल जाती हैं। तो दोस्तों बात करें I400 और E463 के को लेके, तो इसमें मुझे ये कीबोर्ड थोड़ा सा बेटर लगा। और बात करें इसकी कीमत की, तो वही आपको 18 हजार के आसपास ये मिल जाता है, और कीमतें कम या ज्यादा होती रहती हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में। तो दोस्तों ये कीबोर्ड I400 से बेटर कीबोर्ड है। तो दोस्तों नंबर 3 पे आता है यामाहा PSR सीरीज का I500 कीबोर्ड। और दोस्तों ये एक ट्रूली इंडियन कीबोर्ड है, और इसने यामाहा PSR I455 की सारी कमियों को दूर कर दिया है। और दोस्तों ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा कीबोर्ड है। बात करें इसके फीचर्स की, तो इसमें 40 इंडियन इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको 801 हाई क्वालिटी की टोन्स मिल जाती हैं। इसके अलावा 282 रिदम्स मिल जाते हैं, जिसमें 50 इंडियन रिदम्स इंक्लूड हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन, जैसे क्विक सैम्पलिंग पैड है, हाई क्वालिटी के पावरफुल एम्पलीफायर बेस स्पीकर हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल क्वालिटी की DSP इफेक्ट्स है, ऑडियो और MIDI कनेक्टिविटी है, और पिच बैंड है, और व्हील बटन, ये सभी चीजें आपको इस कीबोर्ड में मिल जाती हैं। और दोस्तों अगर आप एक ट्रूली यामाहा लवर हैं और आप 20 या 22 हजार तक की रेंज में एक ऐसा कीबोर्ड चाहते हैं जो आपको सीखने में बहुत हेल्प करे, आपको तबला, तानपुरा, मृदंगम फंक्शन चाहिए और ताले चाहिए, आपको राग स्केल्स चाहिए, तो ये कीबोर्ड आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। बात करें इसकी कीमत की, तो ये अभी अमेजोन पे आपको 22,790 में मिल जाएगा, और कीमतों में कम या ज्यादा
ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद नंबर दो पे आता है केशियो सिटी एक्स सीरीज का 8000 IN और नंबर एक पे आता है केशियो सिटी एक्स सीरीज का 9000 IN। और दोस्तों ये दोनों ही कीबोर्ड वन ऑफ द बेस्ट मिड रेंज कीबोर्ड है, चाहे बात कर ले इनकी टोन्स क्वालिटी की, इनकी रिदम्स की, इनके स्पीकर की। तो सबसे पहले बात करते हैं CTX 8000 IN की। तो दोस्तों ये ट्रूली इंडियन कीबोर्ड है, इसमें आपको 800 हाई क्वालिटी के टोन्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको 43 इंडियन इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको 250 रिदम्स मिल जाती हैं 39 इंडियन रिदम्स के साथ, रिदम्स में भी चार चार वेरिएशन है। इसके अलावा आपको हाई क्वालिटी के स्पीकर मिल जाते हैं, DSP इफेक्ट, डिले, टच रेस्पॉन्स और डेप्थ रिवर्ब, आपको अच्छा एको, सारी चीजें इस कीबोर्ड में मिल जाती हैं। इसके अलावा बात कर लें तो इसमें USB का सपोर्ट आपको मिल जाता है, आपको ऑक्स कनेक्टर मिल जाता है, USB से आप अपने रिदम्स और फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। और दोस्तों इस कीबोर्ड की मार्केट में अभी प्राइस करीब 18000 रुपए है और प्राइस कम या ज्यादा होती रहती है ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में। और दोस्तों इसके बाद टॉप 5 कीबोर्ड्स में नंबर 1 पे आता है केशियो CTX सीरीज का 9000 IN। और दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट मिड रेंज कीबोर्ड है, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड इन मिड रेंज और वो है केसियो का CTX 9000 IN। और दोस्तों इस कीबोर्ड के बारे में मैं आपको जितने भी आप इसके फीचर बताऊं वो कम है, क्योंकि अगर मैं इसके एक एक फीचर गिनाने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ, जो फंक्शन केसियो CTX 8000 IN में है वही फंक्शन सेम फीचर्स इसी में है, वही आपको 800 हाई क्वालिटी की टोन्स मिल जाती हैं, जिसमें 43 इंडियन टोन्स हैं, इसके अलावा 250 रिदम्स हैं और उसमें भी 39 इंडियन रिदम्स हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे DSP इफेक्ट है और आपका डिले हो गया, डेप्थ हो गई, रिवर्ब हो गई, एको हो गया, और भी बहुत सारे फंक्शंस इसमें है। फ्रेंच पैड मिल जाता है आपको कस्टम ट्रैक बनाने के लिए, और आपको लूप्स प्ले कर, लूप्स का भी आपको इसमें सपोर्ट मिल जाता है, आप इसमें लूप्स प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्स का कनेक्टर मिल जाता है आपको डायरेक्ट फोन को कनेक्ट करने के लिए, और MIDI का सपोर्ट मिल जाता है, USB सपोर्ट मिल जाता है आपको अपने टोन्स और रिदम्स को ट्रांसफर करने के लिए, और अच्छे हाई क्वालिटी के बास स्पीकर मिल जाते हैं। और अगर बात करें दोनों में कंपैरिजन की, तो जो केसियो का CTX 8000 IN है उसमें आपको 6+6 वोल्ट के AIX एम्पलीफायर स्पीकर मिल जाते हैं, और वहीं इसमें आपको 16+16 वाट के AIX एम्पलीफायर मिल जाते हैं स्पीकर। जो इस CTX 9000 IN की जो स्पीकर क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है, आपको अलग से कोई साउंड कोई वूफर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इतने पावरफुल स्पीकर हैं इसके। दूसरा अगर बात करें तो CTX 9000 IN के राइट साइड में एक लाइव कंट्रोल के लिए बहुत सारे बटन्स का पैनल दिया हुआ है, जो CTX 8000 IN में नहीं है। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप अपने 4 या 4500 रुपए सेव करना चाहते हैं तो आप 9000 IN ले सकते हैं, और अगर आपको बेस्ट बेस्ट सबसे बेस्ट चुनना है तो आप CTX 9000 IN के साथ जा सकते हैं। और दोस्तों ये कीबोर्ड की टोन्स क्वालिटी बहुत ही शानदार है ये दोनों ही कीबोर्ड की, और रोलैंड को सीधी सीधी इन दोनों कीबोर्ड्स ने टक्कर दी है, क्योंकि जहां पे हमें यामाहा के PSR सीरीज के कीबोर्ड्स में डेप्थ और डिले नहीं देखने को मिलती वो इस कीबोर्ड ने पूरी कर दी है। दूसरी चीज, लाइव में बहुत ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सारे, जैसे रोलैंड में फ्रीज फंक्शन होता है, सारे बैंक फ्रीज हो जाते हैं टच ट्रांसपोज के, उसी तरह सेम कंट्रोल CTX 8000 IN और 9000 IN में सारे बैंक एक साथ फ्रीज हो जाते हैं। और दोस्तों बात करें इसकी प्राइस की, तो अभी ये मार्केट में आपको 22500 से लेके 23000 रुपए के बीच में मिल जाता है, और कीमतें कम या ज्यादा होती रहती हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में। तो दोस्तों यार मैं इसको हाईली रिकमेंड करता हूँ आपको, कि अगर आप बेस्ट कीबोर्ड चाहते हैं मिड रेंज में तो CTX 9000 IN आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप इसकी टोन्स क्वालिटी चेक करना चाहते हैं या लूप्स चेक करना चाहते हैं, तो मैंने इसके दो टोन पैक बनाए हैं, आप आई बटन पे क्लिक करके उनको साउंड को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 कीबोर्ड इन मिड रेंज। और दोस्तों इन कीबोर्ड्स में से आप कोई भी कीबोर्ड खरीदना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं।
और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @MayurSagarMusic से, और मिलते हैं अगले म्यूजिकल वीडियो।